जब 70 के दशक में हीरोइनें ग्लैमरस कपड़े पहनने से परहेज करती थीं, तब इस अदाकारा के बोल्ड दृश्यों के चर्चे होते थे। इस अदाकारा के पास ना तो खूबसूरती की कमी थी और ना कदरदानों की। इस दौर में जितने चर्चे इस खूबसूरत हीरोइन के अदाकारी के थे, उतनी ही बातें उनके इश्क मोहब्बत को लेकर भी थे। महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। इनसे इश्क करने वालों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन इस इश्क को दिल से निभाने वाले उन्हें कभी नहीं मिले। सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी। इस अदाकारा की निजी जिंदगी और विवादों का चोली दामन का साथ रहा। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन तो भी झुके मुझे। अपने निजी रिश्तों की कंट्रोवर्सी की वजह से वह हमेशा मैगजीन्स और अखबारों की हेडलाइंस में बनी रही। क्या आप जानते हैं क्यों इस अदाकारा के प्रेमी ने उनसे मतलब निकाल लेने के बाद उन्हें मार कर लहूलुहान कर दिया था? और क्यों 65 साल की उम्र में इस हीरोइन ने अपने से आधी उम्र के प्रेमी पर लगाया रेप और ठगी का आरोप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सोनी और आप देख रहे हैं सोनी टॉकीज। और भयपन घट पे मोहि लट खट शाम। हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की सबसे ग्लैमरस और बिंदास अदाकारा जीनत अमान की। सदम शिवम सुंदरम। 19 नवंबर 1951 को मुंबई में जन्मे जीनत के पिता अमानुल्लाह खान फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर थे। अभिनेता मुराद उनके चाचा लगते थे। जब वो 13 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया। माँ ने मुंबई के बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया और आगे की पढ़ाई के लिए पंचगनी और फिर लॉस एंजल्स भी भेजा। 19 साल की उम्र में जीनत मॉडलिंग करने उतरी तो मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। खिताब जीतने के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी। इसी बीच उन्हें फिल्मों का ऑफर मिला जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 1971 में आई फिल्म हलचल से उन्होंने अपना डेब्यू किया। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी सांसें गिनकर उनको उपाय बता रहा था बच्ची। इसी फिल्म से कबीर बेदी ने भी अपना डेब्यू किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म हंगामा भी असफल रही। सदाबहार अभिनेता देव आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ऑफर दिया तो जीनत ने झट से इसे स्वीकार कर लिया। दो फिल्मों की असफलता से निराश जीनत ने अपने सौतेले पिता के साथ विदेश में जाकर बसने का सोचने लगी। लेकिन देव साहब ने हरे रामा हरे कृष्णा के रिलीज तक रुकने को कहा। लोका तारों का सबका कहना है 1000।
यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और जीनत अमान का फिल्मी कैरियर सर पर दौड़ निकला। जीनत का नाम देव आनंद से लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के साथ भी जुड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जीनत और संजय उर्फ शाह अब्बास खान के रिश्ते की हुई। जीनत प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान ही शादीशुदा अब्बास से साल 1978 में गुपचुप तरह से शादी रचा ली। जीनत की जिंदगी के सबसे बड़े स्कैंडल थे संजय अब्बास खान। बात 1978 की है। उस दौर की डीवा जीनत अमान की जिंदगी में फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान आए थे संजय खान। अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान जीनत अमान और संजय खान इश्क में पड़ गए थे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जैसलमेर में हुई थी और उस दौरान सिने ब्लिट मैगजीन में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक 30 दिसंबर 1978 को दोनों ने दो गवाहों की मौजूदगी में शादी कर ली थी। खुद जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में यह कबूला था कि हाँ, उन्होंने संजय खान से शादी की थी। संजय खान पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी। सिने ब्लिट्स के आर्टिकल के मुताबिक एक बार जब संजय खान बीमार पड़े थे तो जीनत अली बाबा और 40 चोर की शूटिंग रूस में कर रही थी और बीमार संजय को देखने वो फिल्म की शूटिंग छोड़कर आ गई। संजय की खातिर जीनत ने अपने प्रोड्यूसर तक को नाराज कर दिया था। संजय और जीनत की लव स्टोरी उस समय काफी सुर्खियों में थी। बॉलीवुड में हर तरफ इसकी चर्चा थी। उस दौरान जीनत के करीबी ये कहा करते थे कि संजय खान उनका इस्तेमाल कर रहे थे। फिल्म अब्दुल्ला के बाद संजय जीनत को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। सिने ब्लिट्स के आर्टिकल के मुताबिक जीनत के साथ हुआ भी ऐसा ही। उनका लव स्टोरी का द एंड अब्दुल्ला के रिलीज से पहले ही हो गया। इस वाक्य को सिने ब्लिट्स मैगजीन ने डिटेल में छापा था। संजय खान फिल्म अब्दुल्ला का एक गाना दोबारा शूट करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने जीनत अमान को फोन किया। जीनत उस वक्त फिल्म की शूटिंग कर रही थी और वो फोन पर नहीं आ पाई थी। गौरतलब है कि उन दिनों आज की तरह मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं। संजय से फिल्म की शूटिंग डेट डिस्कस करने जीनत उनके घर भी गई, लेकिन उन्हें वहाँ यह बताया गया कि संजय खान एक पार्टी में है। समुंदर में नहा के और भी जीनत संजय से मिलने एक 5-स्टार होटल में हो रही पार्टी में पहुंची थी। पार्टी हॉल के एक बगल के कमरे में ले गए। ये बात सुने बगैर जीनत की पिटाई करने लगे। संजय जानवरों की तरह जीनत को पीटते रहे और पार्टी में आए लोग ये सब देखते रहे। आर्टिकल के मुताबिक संजय ने जीनत पर धोखे का आरोप लगाया था। जीनत को बचाने जब उनके हेयर ड्रेसर फ्लोरी गई, तब संजय ने उसे भी धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। आर्टिकल के मुताबिक संजय ने एक कुर्सी उठाकर जीनत को मारा था और उसी दौरान जीनत को बहुत चोट आई थी। संजय जब जीनत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, उस वक्त उनकी वाइफ जरीन खान भी उनके साथ थी और उन्होंने भी जीनत पर हाथ उठाया था। है नसीब तेरा, कैसा तू सवाली है। जीनत को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनका चेहरा खून से रंग गया था और कहते हैं इसी मारपीट में जीनत की एक आंख में
चोट लग गई थी। बाद में होटल स्टाफ ने बीच बचाव किया और जीनत को अस्पताल पहुंचाया। करीब 8 दिनों तक वो बिस्तर पर पड़ी रही और उनके जख्म भरने में करीब 2 महीने लग गए थे। उस वक्त जीना डिप्रेशन में आ गई। महीनों उनका इलाज चलता रहा। जीनत ने संजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। जीनत ने संजय के साथ अपनी शादी बचाने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा संजय अब उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। दोनों के रिश्तों में इस कदर करवाहट आ गई थी कि फिल्म अब्दुल्ला के रिलीज होने से पहले ही संजय खान और जीनत की लव स्टोरी डेड स्टोरी में बदल गई थी। और फिर संजय और जीनत ने 24 नवंबर को तलाक ले लिया। संजय और जीनत की ये कंट्रोवर्सियल कहानी काफी सुर्खियों में रही। जीनत अमान ने संजय खान को भुलाकर अपना ध्यान करियर पर लगाया। सूरत तुम्हारी। फिर सन 1985 में उन्होंने अभिनेता मजहर खान से शादी कर ली, जो उनसे 4 साल छोटे थे। मजहर खान को फिल्म शान में अब्दुल के किरदार के लिए अरसे तक याद रखा जाएगा। मजहर की भी यह दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी दिलीप कुमार की भांजी रुबैना से हुई थी, जिससे कुछ ही वर्षों में तलाक हो गया था। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में जीनत ने बताया था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं रही, कि दोनों के 2 बच्चे हैं। और मजहर खान की मौत सन 1998 में किडनी की बीमारी की वजह से हो गई थी। जीनत अमान की उम्र 70 साल से भी अधिक हो चुकी है और उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। फरवरी 2018 में जीनत ने बिजनेसमैन अमन खन्ना उर्फ सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जीनत ने मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कोर्ट में जाने के बाद मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया था। अमन उर्फ सरफराज ने कोर्ट में कुछ सबूत दिखाए थे, जिसके मुताबिक जीनत अमान ने उनसे शादी की थी। मौलवी ने भी शादी की बात को कोर्ट में कबूल किया था। मौलवी के मुताबिक जीनत ने जब शादी की थी तो वो 59 की और सरफराज 35 साल का था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमन ने जीनत के लिए अपना धर्म बदला था और फिर उनसे निकाह किया था। जीनत की कुछ तस्वीरें भी सरफराज के साथ सामने आई थी, जिसमें दोनों मक्का गए हुए हैं। फिलहाल सरफराज करीब 2 साल जेल में गुजारने के बाद बेल पर बाहर है और खबर है कि जीनत हर्जाना लेकर मामला खत्म करने पर राजी हो गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास जीनत अमान से जुड़ी कुछ और भी जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सोनी को इजाजत। नमस्कार।